बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, काफ़ी देर के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आजकल जो है बहुत ज़्यादा डेंगू और मलेरिया जो है इस तरह की अस्तगफिरुल्लाह काफ़ी डिजीज़ जो है वो फैल गई हैं। तो आप समझे कि इसमें से एक जो है मुझे भी हो गया था, तो काफ़ी देर हॉस्पिटल में भी एडमिट वगैरह रही हूँ, तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो इसी के दौरान मैं आपको दिखाना ही भूली कि मैंने अपने छोटे से आशू का जो है एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। तो ये उसका स्पाइडर वाला बैग है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पाइडर्स और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो ये देखें, इसकी टू जिप्स हैं, एक ये वाली है, यहाँ मैं इसमें पेंसिल्स वगैरह डाल देती हूँ, और सेकेंड वाली जो है वो ये है, इसमें डायरी और टिफ़िन होता है, और जो थर्ड वाली है ये वाली, इसमें बुक्स होती हैं। आजकल अभी फ़िलहाल जो है इसका, ये देखिए यशर का जो है ड्रेस मैंने रेडी करके रात को ही रेडी करके रख दिया था। अभी इसका यूनिफॉर्म मैंने परचेज़ नहीं किया है, मीन्स कि अभी मिला नहीं है वो, तो कह रहे थे नेक्स्ट वीक जो आएगा तब इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये मैं आपको अभी आइडियाज़ जो है वो लंच के आइडियाज़ भी दिखाऊंगी, बताऊंगी। मैं अशर को सबसे ज़्यादा मोस्टली चीज़ें वही देती हूँ जो वो शौक से खाता है। यहाँ पर मैंने 5-7 कोकम्बर दे दिए हैं क्योंकि अशर कोकम्बर शौक से खाता है। यहाँ पर जो लेज़ होती है योगर्ट लेज़, वो मैंने इसको हाफ यहाँ दे दी थी, हाफ मैंने रात इसको खाने के लिए दे दी थी। और यहाँ पर है जी एक कप केक, ये भी शौक से खाता है, और इसके साथ है फ्रूट गाला कैंडी। तो ये इसका हो गया है लंच रेडी। इसके साथ ही इसकी एक बोतल भी है, बोतल भी मैं इसको देती होती हूँ। तो बस अभी जो है ये मॉर्निंग रूटीन है इसका, स्कूल लगता है 7:30 तक, तो इंशाल्लाह अभी जो है वैन वाला भी आ जाएगा लेने के लिए अशर को। तो बताइएगा कि आपको अशर का ये वाला बैग कैसा लगा है। ये देखें अशर के काम है, ये रेडी हो के जो है ना यहाँ लेट गए कि बाबा के पास आके मैंने लेटना, मैंने इसको रेडी कर दिया बिल्कुल सुबह। देखिए सुबह जब उठता है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है 120 ml इतना सा दूध पिला देती हूँ, कभी कभी जूस पिला देती हूँ, क्योंकि सुबह बड़े बच्चे को भी इतनी है भूख ही नहीं लग रही होती। सुबह बड़े बच्चे वैसे भी इतना फास्ट खाते नहीं, और अशर को वैसे ही खाने में जो है ना नलायक है, एक किस्म का खाने में तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। कभी मैं इसको जितने आइडियाज़ हैं मेरे पास तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर ये इसकी बॉटल है बीम वाली, देखिए बीन वन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप भी ज़रूर ये यूज़ करें। यहाँ पर ब्रशेज़ वगैरह पड़े हुए हैं, ये जो ब्लू कलर का ब्रश है ये मैं अब्दुल समन तो है, उसके भी 4-5 तीतू छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से आ गए हैं, तो उसको भी कभी कभी ब्रश करवा देती हूँ। असल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ ना, तो उसकी वजह से मैंने उसको भी नहीं ब्रश करवाया, काफ़ी देर हो गई है, हफ्ता तो मैं हॉस्पिटलाइज रही हूँ। ये जो है ना इस तरह का ब्रश, ये है आशू का, ये भी मैंने उसको करवाया है। साथ में हम लोग ये कोलगेट की पेस्ट यूज़ करते हैं। ये मेरे हस्बैंड का है ब्रश ग्रीन कलर में, और पर्ल का, पहले इनका ये वाला होता था, और ये वाला है जी मेरा डिसेंट का। पहले मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती थी, लेकिन पॉन्ड्स का जो है ना इतना ख़ास मुझे लगा नहीं है, मतलब अच्छा है वैसे, पॉन्ड्स का भी बुरा नहीं है, लेकिन ये जो है ना, यह मेरी वजह से ट्राई करें कहने पर औसम है। और ये जो मेरी देवरानी थी मेरे साथ ना, उनका ही है, तो अभी छोड़ने जा रहे हैं अशर को। वैन वाला चढ़ा हुआ है, वो शुरू से ना वहीं पे ही खड़ा होता है, हम लोग उसको खुद ही छोड़ के आ जाते हैं, इसके बाबा ही उठते हैं इसको छोड़ के आते हैं लाडियों से प्यार से, क्या आओ हम चलें। अभी छोटे है ना, रो रहा होता है, अभी 4.25 साल का हुआ है, तो अभी जो है ना रो रहा होता है हल्का हल्का, कभी भी खुशी खुशी जाता है, लेकिन जब आता है ना माशाल्लाह तो सारा कुछ भूल जाता है कि भाई हमें स्कूल है, माशाल्लाह से खुश होकर आता है, मम्मा ये देखे मैं वैन पर आया हूँ सारी ना इंग्लिश बोल बोल के। असल में कराची में जो है ना, कहीं भी आप स्कूल्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं ना, तो वो पास में कोई स्कूल भी नहीं है, हर कहीं आपको जो है 40-45 मिनट लगेंगे, लेकिन ये हमारे एरिया में ही है, क्रिश्चियन स्कूल है, इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, ये अच्छा स्कूल है, तो हमने यहाँ पर इसको एडमिशन करवाया है। तो ये है कि ये मतलब जो स्कूल है ना, अगर तो हमें समझ आ गया तो सही है, वरना हम जहाँ सोचा था ना हमें उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम में, उनकी नवंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जब वो उस स्टार्ट होंगी वहाँ भी इसको एक दफ़ा एक्सपीरियंस ट्राई करवा देंगे अपना, लेकिन ये है कि तब तक यहाँ पर जो है ना वो लगा रहेगा। ये देखो अब्दुल समद कैसे सो रहे हैं। तो यंग्स चिकन स्प्रेड ना, ये बहुत मज़े की है, हम लोग ले आते हैं इस तरह का छोटा सा पैक, तो हम लोग ये नाश्ते में जो है ना यही यूज़ कर लेते हैं मोस्टली। तो हम लोग जो है कभी अंडा ब्रेड खा लेते हैं, कभी इस तरह मायोनीज वगैरह लगा के खा लेते हैं, कभी ये लगा के खा लेते हैं, मर्जी है आपकी। तो ये है मेरा टिंडू। ओए जी क्या कर लियो आप? ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। हैंड किधर है आपका हैंड?
हैंड बताओ की दिले ये ऐसे उठ गया नो नो नहीं बताओ तो हैंड का नहीं बताना मेरी बीबी ने ये ना उदास हो जाता है अभी उठ गया ये भी इस टाइम जो है ना वो रेस्ट का टाइम होता है या तो मैं जो कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाली होती है उसकी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या इसके अलावा जो है अपने घर का कुछ सामान वगैरह मतलब सेटिंग कर लेती हूँ सारा मैनेजमेंट कर लेती हूँ उसके बाद मासी आएंगी तो वो सफाई वगैरह कर देंगी। तो फिलहाल अभी है रेस्ट टाइम मोबाइल यूज़ टाइम तो अभी बस मैं लेट जाऊँगी रेस्ट करूँगी एक घंटा कम से कम फिर मासी आएगी फिर हम दोनों मिलकर जो है वो घर की सफाई वगैरह करेंगे। तो जी व्यूअर्स अभी जो है अब्दुल समद को मैंने कर दिया है रेडी भैया ने भी आ जाना है अभी अब्दुल समद रब रब कर लिए क्रीम लगाई थी इसके हैंड पे ये जब भी इसको रेडी करती हूँ तो कहता होता है मुझे क्रीम लगाओ रब 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 उई माशाल्लाह तो प्यारा बीबी लग रही है तो ना उए 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 ये भी टैब देख रहा है जब बशर आएगा ना फिर टैब वो ले लेगा आराम से इसको देगा ही नहीं ये चीजें पड़ी हुई इधर पाउडर तिब्बत पाउडर की जो खुशबू है ना ये हम लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं मतलब ये तब एक था चलता ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी पता नहीं क्या वो लगाते थे उसके बाद से ऐसा शुरू किया है तिब्बत लगाना कि ये जो है ना आज तक यही हम लोग अपने बच्चों को टेलकम जो है पाउडर तिब्बत बहुत अच्छा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है बाकी जितने भी हैं ना उनकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है ये लगाते हैं ना तो इसकी देर तक रहती है। तो ये जो है ना सुरमा है हाशमी सुरमी कहते हैं इसको ये मैं बच्चों को ज़रूर जो है वो डालती हूँ खुद भी हम लोग यही यूज़ करते हैं और साथ में ये रही फेयर लव गई ट्यूब वाली मंगवा लेती हूँ दूसरी एक दफ़ा मंगवाई थी अशर ने सारी वेस्ट कर दी इसलिए मैं ना छोटे वाली मंगवा लेती हूँ। बस अब तो समझ हो गया है रेडी और यहाँ पर देखें जो है क्लॉक पे क्या टाइम हो रहा है 12 बजे शायद तो इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी और 12:25 पे वो घर आ जाता है माशाल्लाह से ना तो मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी खुश खुशी आता है माशाल्लाह से घर तो। ये बेडशीट आपको नज़र आ रहा होगा कलरफुल है बहुत यही इस तरह के बेडशीट मुझे ज़्यादा पसंद है जो कलरफुल हों और बच्चों के घर में ना इस तरह की होनी चाहिए क्योंकि गंदी हल्की फुल्की हो भी जाती है ना तो वो नज़र नहीं आती है माशाल्लाह। अच्छा लंच में मामा ने आपको क्या दिया था आज अच्छा लंच फिनिश किया है ये लंच किसने फिनिश किया है अच्छा किसने फिनिश किया है इधर आओ बताओ जल्दी से बताओ मिला गुड्डा क्या खा लिया था लंच माशाल्लाह लंच मैंने इसको दिया था थोड़ी सी लेस दी थी और 4-5 कुकम्बर के पीस दिए थे और एक कपकेक दिया था एक कैंडी दी थी कह रहे हैं मम्मा ऑल फिनिश करके आ गया ऑल फिनिश ये बस मैं वॉश करूंगी अभी ये देखिए इसका लंच बॉक्स है इसके पोर्शन बने हुए हैं ये एक लंबे वाला इसमें स्पून भी था एक और 2 पोर्शन ये वाले हैं इसका एक फ़ायदा ये है कि जो है ये देखें अगर आप राइस वगैरह डाल के देना चाह रहे हैं ना तो ये देखें आप यूं करके इसको बंद कर सकते हैं और ये अलग सेपरेट भी हो जाता है ये अब्दुल समद को पड़ा है कि बस जो है ना मैं फटाफट से किसी तरीके से जो है ना लंच बॉक्स हासिल कर लूँ और ये इसकी बोतल है कल तो इसने पानी पिया ही नहीं था अशर ने 2-3 दिन से ना पानी पी के नहीं आ रहा है फुल बोतल वैसे ही ले आता है आज मैंने बिल्कुल इसको ना इतनी सी दी थी तो अभी माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का ये जो है ना पीकर है वाटर ये राशन का बैग मुझे आदत है जैसे ये घर आता है ना एंटर होता है इसको प्यार करती हूँ पीछे वगैरह करवाती हूँ उसके बाद फौरन से ना बैग चेक करती हूँ इसने आखिर क्या काम किया है ये वाली 3 बुक्स हैं इसकी अशर की जो ये वाली है ना नो 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 अभी इसकी 3 ये वाली बुक्स हैं और जो है ना 2 और भी थी ग्रीन वाली उसमें भी इंग्लिश मैथ उर्दू की तीनों की कंबाइन है तो वो टीचर्स ने खुद रख लिया पता नहीं क्यों रखी आई डोंट नो लेकिन ये जो है ना कॉपी इस तरह की ये इस तरह कर रही हैं कि ये देखें ये वाला एक पेज वो खुद करा देती हैं क्लास वर्क का और दूसरा दे देती हैं लेकिन अभी तो अशर को पेंसिल पकड़ना भी नहीं आ रहा है इसलिए जो है ना मैंने उनको भी कॉल की थी आज मैंने कहा आप इसको जो है ना कम काम करवाएं जितना वो आसानी से कर ले अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इतने इतना बच्चे को काम करवा रही हैं और इसका मतलब कॉपीज ख़त्म हो जाएंगी बस हमारा मकसद कॉपीज फिनिश करना थोड़ी है बच्चे को सिखाना है खुद ही जो ट्यूशन भेजती थी ना इसकी कॉपी वही लेकर जो मैंने इनको इधर भेज दी है जो इनकी वाली कॉपी है ना बुक है ना वो इस तरह की प्रॉपर नहीं है वो फोटो कॉपी करवा के देते हैं ये देखें तो बस अभी मैं अशर से पूछती हूँ उसने क्या खाना है ये देखें अभी जो है टाइम ये हो रहा है मतलब 12:30 हो गए कम से कम 12:25 पे 20 पे अशर आ जाता है घर ना अब ये देखें माशाल्लाह से प्लेइंग कर रहा है खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ वो देखें सारे इसके टॉयज़ पड़े हुए हैं